अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिपोमेट्रोल इंजेक्शन के बारे में। डिपोमेट्रोल इंजेक्शन किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित हो सकता है, अगर इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो कि इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं, इसकी डोज़ क्या है और उसको लगाने का तरीका क्या है, और इस इंजेक्शन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों डिपोमेट्रोल इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगा। ये मार्केट में आपको मिल सकता है 40 mg/mL की स्ट्रेंथ में एंड 80 mg/2 mL की स्ट्रेंथ में। बात करते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से, तो दोस्तों ये बेसिकली एक स्टीराइड इंजेक्शन है और स्टीराइड का ग्रुप कार्टिकोस्टीराइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ इसका ताल्लुक है। फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजर्स की, तो दोस्तों जैसे कि स्टीराइड इंजेक्शन है तो इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको यूज़ करते हैं जॉइंट डिसऑर्डर में, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जोड़ों की हालतें हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को अर्थराइटिस की वजह से जो है वो पेन एंड स्वेलिंग है तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिनको सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं वो ठीक नहीं हो रहे तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है, कुछ आइस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन, इंटेस्टाइनल, किडनी एंड लंग की जो डिजीज़ हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। अगर सादा अल्फाज में कहें तो अगर किसी को जोड़ों में स्वेलिंग है, पेन है, जोड़ों में सूजन और दर्द है उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। किसी की आंखों में एलर्जी हो गई है, स्वेलिंग आ गई है तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाएगा। किसी को अंतड़ियों की सूजन है, किसी को जो है स्किन पे कोई इन्फेक्शन है या फिर सूजन है वो ठीक नहीं हो रही। इसके अलावा अगर किसी को गुर्दों में सूजन है, किसी को लंग्स में सूजन है यानी फेफड़ों में सोजिश है तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है कुछ कंडीशन में इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स में भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये मेडिसिन किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह से जो उसके नतीजे में स्वेलिंग और पेन हो रही होती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हुआ होता है वो उसकी सिम्टम जो है डिक्रीज़ हो जाती हैं। इस तरह से ये इंजेक्शन अपना काम करता है। बात करते हैं कि अगर इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाए तो कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को नोजिया एंड वामटिंग हो सकती है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, इसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को स्लीपिंग ट्रबल की शिकायत हो सकती है, इसके अलावा जो है एपीटाइट चेंजेस आ सकते हैं पेशेंट में, इसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है, इसके अलावा पेशेंट को एक्ने की मसाइल हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जा सकती है, वैसे इसकी डोज़ सजेस्ट नहीं की जाती। तो इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों इसको मोस्टली तो इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जॉइंट एंड स्किन में भी कुछ कंडीशन में इसको लगाते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट जो हैं वो इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो कि इस साल से एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखती हों वो इस इंजेक्शन को कभी भी यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अगर पहले किसी को फंगस इन्फेक्शन हो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, अगर किसी को शुगर हो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, इसके अलावा अगर किसी को ब्लड क्लाट्स की प्रॉब्लम हो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियाँ बुरबरी हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, कोई मोतिया के पेशेंट हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, या अगर किसी को हर्ब्स इन्फेक्शन हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो लाइक हार्ट अटैक हो चुका हो
इस तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे, कोई हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे, अगर किसी को टीबी हो तो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे, अगर किसी को जो है क्रोनिक किडनी एंड क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो यानी पुराने गुर्दे और जिगर ख़राब हो तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें, या फिर आपने इम्यूनाइजेशन करवाई हो, कोई फालतू टीका लगवाया हो, वैक्सीनेशन करवाई हो तो तब भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं फिर नहीं, तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कभी भी यूज़ ना करें, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये एक जो एम्प्योल है इसकी प्राइस है 345 रुपीज़, 345 रुपये की एक वायल है, और एक वायल में जो है 2 ml की स्ट्रेंथ में जो है मिथाइलप्रेडनिसोलोन एसीटेट साल्ट मौजूद होता है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल डिपोमेट्रोल इंजेक्शन का, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल नई हेल्थ किट को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नई मैम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।